हेलो एवरीवन, मेरे सात्विकों में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एकदम हलवाई स्टाइल ब्रेड पकौड़ा रेसिपी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं जिसे अच्छे से मैश कर लिया है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर अब इसमें हम कुछ फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हाफ स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ स्पून धनिया पाउडर डालकर इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अगर आप बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छे से बनकर रेडी हो गया है और इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम एक कटोरी बेसन डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसको अच्छे से मैंने पहले से ही छान लिया था और एक बाउल में डालकर अब इसमें हम हाफ स्पून नमक, 1 स्पून ऑयल डालकर अच्छे से हम इसको स्पून की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, नहीं तो बेसन के लम्स रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह का बेसन का बैटर बनाकर रेडी कर लेना है, ना तो गाढ़ा रखना है ना ही पतला बैटर बनाकर रेडी करना है। तो एकदम परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो गया है। तो जब भी आप ब्रेड पकौड़ा का बैटर बनाएं तो इसमें नमक और ऑयल ज़रूर डालें, एकदम हलवाई जैसे आपके ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी होंगे। और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा टमाटो केचप डालकर और ब्रेड में अच्छे से स्पून की सहायता से स्प्राइट कर देते हैं। और इसमें हम आलू का मिक्सचर अच्छे से ऊपर से रख देते हैं और अच्छे से स्पून की सहायता से फैला देते हैं ब्रेड के ऊपर, इस तरह से आप देख सकते हैं। और दूसरे ब्रेड में हम ग्रीन चिली सॉस डाल देते हैं और इसको भी स्पून की सहायता से अच्छे से स्प्राइट कर देते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना नहीं पसंद है तो आप ग्रीन चिली को आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको स्पून की सहायता से फैला दिया है और ब्रेड के ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से काट कर हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कट कर लिया है। तो इसी तरह से हम सभी ब्रेड को बनाकर रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सभी ब्रेड अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। तो हम इनको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लिया है और गैस को ऑन कर दिया है और इसमें हम ब्रेड को बेसन में अच्छे से कोट करके और कढ़ाई में हम डालते जाएंगे और गैस को मीडियम रखना है ताकि ब्रेड पकौड़ा एकदम कुरकुरे और टेस्टी बने। तो इस तरह से हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, नहीं तो ब्रेड पकौड़ा अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो जब भी बारिश का मौसम हो या चटपटा या तीखा खाने का मन हो तो झटपट से आप इसे बिना कुछ सोचे समझे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम सामान से ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ब्रेड पकौड़ा में वो निकल जाए। और इसी तरह से हमने ब्रेड पकौड़ा सभी बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हैं। तो झटपट से आप देख सकते हैं बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो आप इसे मीठी चटनी या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, जिससे आपको खाना पसंद हो। और ये एकदम मज़ेदार हलवाई स्टाइल ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम से हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हुए हैं। तो हम इसे एक बार कट करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए हलवाई जैसे ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हैं।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब